good morning students so today i'm going to start next chapter and that is organizing first of all the meaning of organizing organizing is the process of identifying and grouping various activities bringing together physical financial and other resources and then establishing authority and responsibility relationship among them in other words organizing is the detailed arrangement of work and working conditions in order to perform the assigned activities in an efficient and effective manner organizing ka simple meaning agar hum dekhe, toh uska matlab hota hai arrange karna हमने पढ़ा है कि जो मैनेजर है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जैसे कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग स्टाफिंग क्लियर तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सारे जो एक्टिविटीज हैं मैनेजर परफॉर्म करता है अगर मैनेजर ने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो प्लानिंग के बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन फंक्शन आता है वो क्या है ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग में क्या किया जाता है कि मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव को अपने एम को सेट करता है कि मैंने फाइनल पोजिशन या फिर एंड रिजल्ट मेरा क्या होना चाहिए उसके बाद वो देखता है कि मुझे ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए या फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा Activities को perform करने के लिए कौन से मेरे मेरे पास पास होने होने चाहिए, 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 मुझे कितना पैसा चाहिए? कितने मेरे पास human resource होने चाहिए? क्या मशीनरी होने चाहिए उन सारी चीजों का अरेंजमेंट करता है क्लियर ऑर्गेनाइजिंग में जो मैनेजर है वो डिटेल्ड अरेंजमेंट करता है सो so दैट कि जो काम है वो स्मूथली परफॉर्म किया जाए ठीक है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर के साथ परफॉर्म किया जाए ठीक है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स अ लार्ज स्केल टेरिटरी इनटू स्मॉलर ग्रुप्स एंड असाइंस द मैनेजर्स एंड वर्कर्स टू ईच ग्रुप परफॉर्म्स द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन यहाँ पे लिखा है कि जब मैनेजर अपने ओवरऑल गोल को छोटे छोटे ग्रुप्स में या जॉब्स में या टेरिटरीज में असाइन कर देता है और उन्हीं ग्रुप्स को एक मैनेजर अलॉट कर देता है तो वो क्या करता है एक तरह का ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को ही परफॉर्म करता है क्लियर जैसे अगर हम बात करें फॉर एन एग्जांपल कि एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी ठीक है उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को एक महीने के अंदर अंदर रेडी करना है क्लियर तो जो मैनेजर है उसका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया एम सेट हो गया कि हमने एक महीने के अंदर अंदर ये पर्टिकुलर बिल्डिंग को सेटअप करना है ठीक है उसका अभी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजर का नेक्स्ट फंक्शन होगा ऑर्गेनाइजिंग क्लियर ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेगा मैनेजर कि जो जो उसको रिसोर्सेज चाहिए ठीक है वो उनको अवेल करवाएगा जैसे कि अगर मैनेजर ने बिल्डिंग को बनाना है तो बिल्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए उसको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है ठीक है स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है सेमी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है तो मैनेजर ओवरऑल गोल को क्या डिवाइड करेगा छोटे छोटे जॉब्स में टेरिटरीज में और बताएगा कि हर एक वर्कर ने क्या काम करना है कितना काम करना है ठीक है मैनेजर क्या करेगा बहुत सारे जो रिसोर्सेज उसे चाहिए मशीनरी इक्विपमेंट्स ठीक है या फिर मेटल ब्रिक्स सीमेंट कंक्रीट जो भी उसको चाहिए वो सारी जो मटेरियल्स uh, हैं उसको अवेल कराएगा उनका अरेंजमेंट करेगा दैट विल बी ऑर्गेनाइजिंग क्लियर ये है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग। का मीनिंग विद एन उसके बाद हम देखते हैं ऑफ़ ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन या बेनिफिट स्पेशलाइजेशन। वर्क इज डिफरेंट पार्ट्स और जॉब्स एंड कॉम्पिटेंट आर अपॉइंटेड टू हैंडल विल गेट स्पेशलाइज्ड व्हेन ही ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या किया जाता है कि ओवरऑल गोल को छोटे 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 जॉब्स में में या पार्ट्स चोट डिवाइड कर दिया जाता है ठीक है ठीक जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो उनको जो उनको job, जो जो वर्कर्स हैं उनकी उनकी जॉब है उनकोलिटी के अकॉर्डिंग या उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग या उनकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको जॉब असाइन कर दी जाती है जब एक पर्सन रिपीटिटिवली किसी काम को परफॉर्म करता है तो उसको वो काम करने में

कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती वो कैसे क्योंकि वर्कर्स को पता है कि मैंने कौन से मैनेजर के साथ जाके कंसल्ट करना है अगर इन केस मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है ठीक है है क्योंकि ओवरऑल जो गोल उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्या किया था डिवाइड किया था हर एक जॉब को एक पर्टिकुलर मैनेजर असाइन किया था तो जो मैनेजर के अंडर काम करेंगे वर्कर्स वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी तो वो उसी मैनेजर को जाके कंसल्ट करेंगे जो उनके लिए अपॉइंट किया गया है तो यहाँ पे क्या होगा क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप होंगे इसमें एक टर्म यूज करी गई है जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली डिफाइंस द जॉब्स एंड स्पेल्स आउट व्हाट एग्जैक्टली डन इन एवरी जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो क्लियरली बताता है वर्कर को कि आपने क्या काम करना है कैसे करना है क्लियर जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्लियरली डिफाइन करी जाएगी जॉब डिस्क्रिप्शन में इन शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो जॉब को डिस्क्राइब करती है क्लियर कि वर्कर ने कौन सा काम करना है नेक्स्ट एडेप्शन टू चेंज A properly designed job will provide flexibility where working relationships can be modified to suit changing conditions in the environment and achieve smooth working. Therefore, movement of people in and out of jobs doesn't affect the work being done and the capacity of business to undertake more activities in order to grow and diversify. अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म किया गया है सबको अपने जॉब का पता है जो जॉब में हर एक वर्कर को क्लैरिटी है कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो क्लियरली डिफाइन किए गए हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन चुका होता है तो उससे क्या होता है अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो बिजनेस उस चेंज चेंज के साथ करने में बिजनेस को हेल्प मिलती है ठीक है बिजनेस जो है वो उस चेंज को पॉजिटिवली लेता है और अगर लोगों लोग जो है लोग यहाँ पे क्या है एम्प्लॉयज अगर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती On the other hand, अगर चाहती है कि हमने जैसे पहले हम दो प्रोडक्ट्स में डील करते थे और हमने एक और प्रोडक्ट को एड ऑन करना है मतलब करना करना है या diversify करना है है या अपना business, तो जो है वो चेंज को अडेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं करता क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स

अगर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स डिफाइन करी गई हैं, जो काम जब करना है तब किया जा रहा है कॉम्पिटेंट पर्सन उस काम को कर रहे हैं, फाइनेंस अच्छे से यूज किया जा रहा है हर एक रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूज किया जा रहा है तो वहां पे क्या होगा कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगी और कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे उन्होंने ये बताया जैसे कि अगर किसी वर्कर को पता ही नहीं है कि उसने क्या काम करना है ठीक है तो वर्कर हो जाता है कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है मैनेजमेंट ठीक है जबकि प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग में जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू बताया जाता है कि आपने क्या करना है ठीक है तो जो वर्कर्स हैं उनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती कोई भी कंप्लेक्शन नहीं होती और जो डुप्लीकेशन है उसको इग्नोर या अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क क्लियर देन मैनेजमेंट बिकम्स इजी विच लीड टू इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज प्रेक्टिस्ड

और उनसे उनको बस ऑब्जेक्टिव जो है वो बता दिए जाते हैं जो टारगेट्स हैं वो बता दिए जाते हैं और वर्कर्स को बताया जाता है कि आपने इतने टाइम स्पैन के अंदर अंदर ये टारगेट्स को अचीव करना है है उसके साथ साथ उनको अथॉरिटी एंड जो है, वो डेलीगेट कर दी जाती है इससे क्या होता है कि ये एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है क्योंकि जो सब सबोर्डिनेट्स हैं या फिर वर्कर्स हैं वो खुद अपने जो काम है खुद अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपने स्किल्स के साथ हर एक जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल करते हैं आउट करते हैं तो ये एक तरह का वर्कर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि वर्कर्स सेल्फ बन जाते हैं प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क Each worker is specialized in his area and he will try to do his best to achieve his targets. This helps in preventing confusion and minimizing wastage of resources and efforts and leads to proper usage of material, finance, finance and human resources. अगर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म किया गया है हर एक वर्कर को पता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे क्या है वर्कर्स को उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम जो है वो डिवाइड किया जाता है उससे क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उनको बता दी जाती है जिससे क्या होगा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड किया जाएगा ठीक है वर्क हर एक वर्कर को पता है उनकी उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो एक वर्कर है दूसरे वर्कर का, का काम नहीं करेगा जिससे क्या होगा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो अवॉइड करी जाएगी और वर्कर्स रिपीटिवली एक काम रोज करते हैं कॉन्टिन्यू बेसिस पे सेम काम करते हैं तो उनमें एक स्पेशलाइजेशन आ जाती है जिससे क्या होगा वेस्टेज कम होगी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे देन नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ

तो इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी न्यू प्रोडक्ट लाइन को एड ऑन करेगी जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन और ग्रोथ होगी क्लियर